पता नहीं क्या लेना है। कपड़े धोए थे मैंने और इन पे कहीं अब ये डस्ट रोम आया हुआ है और वो प्लेन जा रहा है बाय। बहुत डस्ट हो रहा है, कैमरे में इतना सही नज़र नहीं आ रहा लेकिन बहुत ज़्यादा डस्टी हो रहा है। अब कपड़े ख़राब जाएंगे, मुझे यही अफसोस हो रहा है। हल्के हल्के सूखे, हल्के गीले हैं, मैं उठा देती हूँ। पहले तो मुझे नमकीन चाय की क्रेविंग हो रही थी, मैं नमकीन चाय चढ़ा दी थी और इसमें कैमरे में बहुत फीका कलर आ रहा है, इतना ना कोई खूबसूरत गुलाबी कलर आया है, बहुत प्यारा कलर आया है। तो फिर मैंने सोने की कोशिश की, थोड़ी देर टीवी देखा, वीडियो एडिट की, सारा कुछ करने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो अब भूख लगने लग गई, 12:30 हो रहे हैं रात के, तो अब मैं नमकीन चाय पीने लगी हूँ। नमकीन चाय है, डालते हैं अपने कप में ज़रा, और ये थल तक नमकीन चाय पोई की अरे मैं डालती हूँ अच्छी तरह से, और अलमराई यूज़ किया है, और मक्खन ये वाला यूज़ करेंगे, और स्पून भी है, खूब सारा मक्खन डालूंगी, चाय डालूंगी। ओफ, इतनी कोई क्रेविंग हो रही थी ना, भूख भी बहुत लग रही है। अब तो कैमरा जस्टिस ही नहीं करता है ना, इतना कोई खूबसूरत कलर आया है लेकिन नहीं, कैमरे में शायद लाइट की वजह से। हाँ अब नज़र आ रहा है ना, यस एंगल सही नहीं था मेरे ख्याल से लाइट का, लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, क्या हो रहा है आई डोंट नो। ये देखें इतना प्यारा कलर आया है, गाढ़ी गाढ़ी चाय बनी है मज़ेदार, बहुत सारे मक्खन के साथ नमकीन चाय रेडी है। ओके गुड नाइट बाय। पालक गोश बना रही थी मैं, चिकन ली थी और ये ब्राउन प्याज, गरम मसाला, टमाटर, लीमू, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक और लहसुन अदरक पेस्ट, ऑयल और फ्रोज़न स्पेनिश लिए थे मैंने, 2 पैकेट यूज़ किए 400 ग्राम वाले, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो फ्रेश में आता है। अब मैं आइंदा नहीं लूँगी फ्रोज़न। और तरीका तो आप देख लेंगे कुकिंग का, बस आखिर में मैंने लहसुन का तड़का दे दिया था जिससे बहुत मज़े के हुए थे पालक। ओके बाय, एंजॉय कुकिंग।